तंग परिस्थिति में लड़ना हम लोग को बहुत आवश्यक है। और हम लोग कल डिजिटल रूप से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर डिजिटल रूप का आंदोलन से हमारा सरकार यदि झारखंड हित में नियोजन नीति नहीं लाएगी तो आने वाले दिनों में हम लोग विधानसभा घेराव का करेंगे। और तो पर भी हमारा मांग नहीं पूरी होगी तब ग्रामीण ग्रामीण हम लोग जाएंगे, गाँव गाँव समझाने का काम करेंगे। और गाँव के स्तर में हर टोला हर गाँव हर जगह जो है यहाँ सरकार का पुतला दहन करेंगे। जैसे ही 10 बजे का सभी छात्र ताबड़तोड़ एकदम अंगुली तोड़ ट्वीट रीट्वीट करिए, अपने मोबाइल से करिए, अपने अभिभावक का मोबाइल से करिए, अपने भैया भाभी चाचा चाची सबका मोबाइल से करिए। हैशटैग होगा #60_40_9_चलतो। यहाँ कहीं कोई स्पेस नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। कल तमाम झारखंड के छात्रों से मेरा अपील होगा, निवेदन होगा कि कल 10 बजे से 4 बजे तक ये कैंपेन चलेगा। गुड मॉर्निंग का बात करते हैं, कल सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे लगे रहिए, लगल रहिए, रिट्वीट 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 कल करते रहिए। और इस सरकार को सार्वजनिक तौर पे दिखाइए कि ये जो गोपनीय चोरी टाइप का जो रिकॉर्डेड कॉल सर्वे किया था और कह रहा है 7.5 लाख युवाओं ने मुझे राय दिया है 60-40 का नियोजन नीति को, कल आप लोग दिखा दीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि 60-40 नियोजन नीति नहीं चलतो 60-40। चूंकि कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफी है, जब हर साख में उल्लू बैठे हो बर्बाद गुलिस्ता अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति और परिस्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड के तमाम चीज़ें अपने गति के अनुरूप अपने गति के दर से चल रही है। चाहे जो अगर हम आज जिंदा हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज पर्व त्यौहार कुछ दिन पहले कैलेंडर भी बदले 2022 से 2023 आया, तमाम चीज़ें चल रही है। अगर रुकी हुई है कोई चीज़ तो वह एकमात्र वो है नियुक्ति की प्रक्रिया, नौकरी। और इस मामले पर न पक्ष न विपक्ष कोई भी गंभीर नहीं है, कोई भी सीरियस नहीं है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है कि होली के मौके पर झाल कीर्तन ताल बजा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ के विपक्ष विधानसभा जीत के मौके पर लड्डू मिठाई बांट रही है। मतलब कहा जाता है ना कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जब हर साख में उल्लू बैठे हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो राज्य का भविष्य क्या होगा इससे तय कर सकते हैं कि पक्ष विपक्ष सब कोई मिल करके इस राज्य के नौजवानों को दुख तकलीफ को लेकर के कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन सड़क से लेकर सदन से लेकर सभा के माध्यम से हर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अभी तक सीरियस नहीं रहने के कारण और एक फर्जी रिकॉर्डेड कॉल सर्वे का हवाला देते हुए 60-40 नियोजन नीति ला रही है जो इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है। और कह रहे हैं कि इसमें हमको 7.5 लाख छात्रों में 75% छात्रों ने हमको सुझाव दिया है। कल 75% एक तरह से उसका सर्वे चोरी टाइप से गोपनीय टाइप से हुआ, उसी का तमाचा और उसी का हमला करने के लिए कल हम लोग डिजिटल रूप में ओपनली जो पूरा दुनिया देखेगा हमारा कल का ट्विटर अभियान को। और चूंकि अभी डिजिटल का जमाना है, एक फॉर्म भी भरते हैं, कहीं टिकट भी करते हैं, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, कहीं कोई कॉलेज में दाखिला भी लेते हैं, तो हर चीज़ आज डिजिटल तरीके से हो रहा है। तो आज हम लोग ये सरकार को कल डिजिटल हमला करेंगे, डिजिटल अटैक करेंगे, नियोजन नीति के मामले पर कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। तमाम परिस्थिति में लड़ना हम लोग को बहुत आवश्यक है। और हम लोग कल डिजिटल रूप से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर डिजिटल रूप का आंदोलन से हमारा सरकार यदि झारखंड हित में नियोजन नीति नहीं लाएगी तो आने वाले दिनों में हम लोग विधानसभा घेराव का करेंगे। और तो पर भी हमारा मांग नहीं पूरी होगी तब ग्रामीण ग्रामीण हम लोग जाएंगे, गाँव गाँव समझाने का काम करेंगे। और गाँव के स्तर में हर टोला हर गाँव हर जगह जो है यहाँ सरकार का पुतला दहन करेंगे। और ये राज्य जो देख रहे हैं आज पूरा हरियाली हरियाली दिख रहा है, ये राज्य दिन धुआं धुआं दिखेगा सब तरफ। जो नीति को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान पक्ष हो या विपक्ष हो नियोजन नीति मामले पर कोई सीरियस नहीं है। और एक गोपनीय तरीके से रिकॉर्डेड कॉल सर्वे गोपनीय रूप से करा करके कह रहे हैं कि 2016 से पहले का नियोजन नीति ला रहे हैं और उसको कैबिनेट के में मंजूरी भी मिल गया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो गोपनीय रूप से जो
एक सर्वे कराया गया, कल उसका जवाब हम लोग डिजिटल और पूरा सार्वजनिक तौर पे कहना चाहेंगे, क्योंकि यह जमाना डिजिटल का जमाना है। यहाँ हम लोग का एडमिशन का बात हो, चाहे कहीं अपार्टमेंट का बात हो, सब चीज आजकल डिजिटल हो रहा है। तो 5G का जमाना में हम लोग डिजिटल अटैक करेंगे, कल सरकार को डिजिटल हमला करेंगे कल हम लोग। और कल हम लोग का ट्विटर अभियान है नियोजन नीति की मांग को लेकर के, जिसमें हमारा हैशटैग होगा #60_40_9_चलतो। यहाँ कहीं कोई स्पेस नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। कल तमाम झारखंड के छात्रों से मेरा अपील होगा, निवेदन होगा कि कल 10 बजे से 4 बजे तक ये कैंपेन चलेगा। जैसे ही 10 बजे का सभी छात्र ताबड़तोड़ एकदम अंगुली तोड़ ट्वीट रीट्वीट करिए, अपने मोबाइल से करिए, अपने अभिभावक का मोबाइल से करिए, अपने भैया भाभी चाचा चाची सबका मोबाइल से करिए, अपना फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितने भी प्यार मोहब्बत का बात करते हैं, कल व्हाट्सएप गुड नाइट गुड मॉर्निंग का बात करते हैं, कल सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे लगे रहिए, लगल रहिए, रीट्वीट 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 कल करते रहिए। और इस सरकार को सार्वजनिक तौर पे दिखाइए कि ये जो गोपनीय चोरी टाइप का जो रिकॉर्डेड कॉल सर्वे किया था और कह रहा है 7.5 लाख युवाओं ने मुझे राय दिया है 60-40 का नियोजन नीति को, कल आप लोग दिखा दीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि 60-40 नियोजन नीति नहीं चलतो 60-40, क्योंकि 60-40 नियोजन नीति अगर लागू होता है तो इस राज्य में भारी नुकसान होगा। इस राज्य में जो है कि कल का आज देख रहे हैं कि 60-40 नियोजन नीति जो 2016 से पहले का था वो नामंजूर था, इसीलिए सत्ता परिवर्तन हुआ है।